हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले नॉर्थन प्लेन के बारे में पढ़ा इंडियन फिजिकल फीचर्स में। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट डेजर्ट। द राजस्थान प्लेन्स और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडियन प्लेन। इट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान इन द अरावली माउंटेन रेंजेस। इट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट। जो राजस्थान का प्लेन है उसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी वो है इसकी है, और ये हमारे वेस्टर्न पार्ट में नॉर्थ इंडियन प्लेन के, और ये राजस्थान का बड़ा एरिया कवर करती है अरावली माउंटेन रेंज। इसको हम थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड सैंड बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनुअल रेनफॉल। यहाँ बहुत कम बारिश होती है तो ये चट्टानों से और उसके रेत से ही बना हुआ एरिया। देयर आर सेवरल सैंड ड्यून्स इन दिस रीजन। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द थार आइदर डिसअपीयर इन द सैंड और ड्रेन इन टू द सॉल्ट लेक। तो यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलते हैं। सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीलों को, जो जब यहाँ पर आंधियाँ चलती है तो वो रेत के टीले अपनी जगह बदल लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उड़कर रेत के टीले बन जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अधिकतर नदियां जो है थार डेजर्ट में वो डिसअपियर हो चुकी हैं और या फिर सॉल्ट लेक में मिल चुकी हैं। सच एरियाज आर रीजन्स इन इनलैंड ड्रेनेज एज द रिवर्स आर नॉट एबल टू फॉल्स इन टू द सी। तो इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं इस एरिया को, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो है ये इसके नहीं काबिल होती कि वो समुद्र में जाकर मिल सकें। देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। द पेनिनसुलर प्लेटोज, हम बात करते हैं प्लेटोज की, यानी कि पठार। पठार होता है एक टेबल लैंड की तरह जमीन से उठा हुआ पार्ट, जिसे जैसे कि आप रोड पे ब्रेकर्स देखते हैं उस टाइप से हम बहुत बड़े एरिया को प्लेटोज बोलते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटोज आर लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन। दिस रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज सराउंडेड बाय हिली रेंजेस फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। तीन साइड से ये हिल रेंज से कवर है। इन द नॉर्थ आर अरावली रेंजेस, विंध्याज एंड सतपुड़ा एंड द राजमहल हिल्स। द वेस्टर्न कास्ट आर टुवर्ड्स द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट फ्रॉम इट्स ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड की तरफ से वेस्टर्न घाट हो जाता है और ईस्टर्न बाउंड्री पे इसकी ईस्टर्न घाट है। हावर अनलाइक द हिमालयस दीज रेंजेस आर लो नेवर एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और ये जो हिमालयस की तरह ये जो रेंज है यहाँ पर भी जो स्नोफॉल नहीं होता। एवरेज हाइट जो है इनकी प्लेटोज की कम है, क्योंकि 600 मीटर से 900 मीटर है एंड द स्लोप इज वेयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द प्लेटोज आर मेड अप ऑफ द इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये बने हुए हैं प्लेटोज। दिस प्लेटोज हैव एन अंडुलेटिंग सरफेस विद लो हिल्स एंड राउंडेड टॉप। द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेटो रीजन इनटू टू पार्ट्स। नर्मदा दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देती है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो में। सेंट्रल हाईलैंड जो है ये आपका नॉर्थ पार्ट है इसका प्लेटोज का, और इसमें एक सीरीज होती है प्लेटोज की, अरावली रेंज टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, द विंध्य रेंज इज टुवर्ड्स द साउथ एंड द बुंदेलखंड इज टुवर्ड्स द ईस्ट। मालवा प्लेटू जो है वो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में है और इसको ड्रेन करती है चंबल और बेतवा नदी। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो झारखंड का पार्ट है और ये ईस्ट होते हैं सोन नदी की। इट इज ऑल्सो द सेंट्रल हाईलैंड। द हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट दैन ए ईस्ट। दिस प्लेटूज आर मेड अप ऑफ द हार्ड इग्नस रॉक से ही बना हुआ है। ऑल द रिवर्स ऑफ दिस रीजन जॉइन द यमुना एंड गंगा रिवर। फिर आता है आपका डेक्कन प्लेटू जो दक्षिण का मेन पार्ट है। द डेक्कन प्लेटू ऑक्यूपाइज द साउथर्न टिप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। इट एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्यास इन द नॉर्थ। इट इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। दोनों तरफ से इसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ने कवर किया हुआ है, और जो बहुत दीज हिल रेंजेस हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में जाकर मिल जाती हैं। वेस्टर्न हिल्स जो है आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज द शायद्री हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई और कॉडोमन हिल्स है, ये इसके वेस्टर्न घाट का पार्ट है जो मुंबई की साइड से शुरू होता है और नीचे केरला तक जाता है। अनाई मुडी है, 2695 मीटर हाइट है इसकी डेक्कन प्लेटो की। नॉर्थन पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो हैज द विंध्यास रेंज और महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड द मलाईकाला रेंज। ईस्टर्न हिल्स आर कलेक्टिव नोन एज द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न हिल्स को ईस्टर्न घाट कहते हैं। दे आर ब्रोकन इन टू द स्मॉलर हिल्स रेंजेस बाय द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये उड़ीसा से शुरू होकर आपके और तमिलनाडु तक ईस्टर्न घाट है। मोस्ट रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये सारी नदियां गिरती हैं। और नर्मदा एंड द तापी रिवर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हाउएवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में जाके मिक्स हो जाती है। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, और इसको हम दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं गोदावरी नदी को। तो ये हुआ हमारा प्लेटूज। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन जो समुद्र के साथ साथ के प्लेन एरिया होते हैं उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन लाइज टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। प्लेन इन द वेस्ट इज रेदर नैरो एक्सेप्ट इन गुजरात, साउथ ऑफ द गुजरात। नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट और फर्दर साउथ इट इज नोन एज द मालाबार कोस्ट। तो गुजरात से मुंबई वाली साइड जो है वो कोंकण कोस्ट और फिर नीचे केरला वाले साइड जो है मालाबार कोस्ट कहलाती है।
The backwaters locally called coils are a special features of the Malabar coast. Backwater lagoons होते हैं जिन्हें हम coils कहते हैं, ये मालाबार कोस्ट की सबसे विशेषता है. Eastern coastal plain with many large fertile clay delta in water broader such than western coastal plain. Northern part है जो वो है आपका northern सिरकर और southern part है इसका Coromandel coast. Northern सिरकर आपका उड़ीसा हुआ और आंध्र प्रदेश का, और southern part जो Coromandel coast है ये आपका तमिलनाडु. फिर इसके बाद हम बात करते हैं आइलैंड्स की. आइलैंड जो छोटे छोटे द्वीप हैं हमारे, वो भी हमारे देश का पार्ट है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप. अपार्ट फ्रॉम सेवरल आइलैंड्स फॉर्म्ड अलोंग द कोस्टल और कोस्ट ऑफ इंडिया, देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है और केरला कोस्ट के पास है, और अदर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है. इट एक्सटेंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अंडमान निकोबार ग्रुप स्ट्रेचेस फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर. और अधिकतर जो आइलैंड्स हैं वो माउंटेनियस हैं, यूनिइनहेबिटेड हैं और आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट्स हैं. कवर है, फॉरेस्ट से कवर है, माउंटेनियस हैं. और नॉर्थन ग्रुप जो आइलैंड्स का है उसको हम कहते हैं अंडमान आइलैंड्स. ये कलेक्शन है 233 आइलैंड्स का. फिर साउथन ग्रुप जो है आइलैंड्स का, उसमें 214 आइलैंड्स हैं, इसको हम निकोबार आइलैंड कहते हैं. अब आ रही आती है लक्षद्वीप की, जो कि अरेबियन सी में हैज बीन फाउंड बाय हार्डन स्केल्टन्स. जो स्केल्टन से बना हुआ है, जो सी एनिमल्स होते हैं आपके बड़े बड़े, उनकी जो हड्डियां होती हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको जाकर जमकर एक कोरल रीफ्स बना लेते हैं, उनको बोलते हैं कोरल पॉलिप्स. तो स्केल्टन ऑफ टाइनी सी एनिमल्स इज कॉल्ड द कोरल पॉलिप्स. दे आर 36 आइलैंड्स हैं जो स्मॉल कोरल आइलैंड्स. मिनी कोय का जो एरिया है वो अबाउट 5 स्क्वायर किलोमीटर है. इज द लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का. तो ये हम लक्षद्वीप की कैपिटल है आपकी कावाराती, और अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर. ये हमने इंडिया फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा. थैंक यू.